हाय, लेट्स मेक मूंग दाल। आज के मूंग दाल बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है 1 कप मूंग दाल, और उसे पहले हम रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर के लिए रोस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के लिए। और देखिए, अभी से हम निकाल लेंगे एक बाउल में, और बाउल में डाल लेने के बाद इसे साफ पानी से धो लेंगे 3 से 4 बार। और ये वाला स्टेप अगर आप चाहे तो स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसे धो लेने के बाद इसे हम कढ़ाई में डाल के कुक कर लेंगे, जब तक कि हमारा दाल अच्छे से बॉयल ना हो जाए। ऊपर से डालेंगे हम थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, वैसे कवर करके कुक करेंगे। और देखिए, हमारा दाल पूरी तरीके से बॉईल हो चुका है। और अब आप समझेंगे कि हमारी दाल बॉईल हो चुकी है तो हमारी दाल बनके तैयार हो चुकी है, लेकिन नहीं, हमारी दाल अभी बननी शुरू हुई है। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मसालेदार, टेस्टी मूंग दाल। सबसे पहले हम ले लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाए, डाल देंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच सरसों। सरसों जैसे ही चटक जाएगा, डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल छोटे छोटे चॉप करके। प्याज भी हमारा फ्राई हो जाएगा। उसके बाद डालेंगे टमाटर। टमाटर हल्का सा भून लेने के बाद डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को अच्छे से भून लेंगे। डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी को डालते इसलिए है जिससे कि हमारे मसाले जले ना, और सभी को डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही मसालों के साइड से पूरी तरीके से तेल निकल जाए, डाल देंगे यहाँ पे हमारा बॉयल किया हुआ दाल। और आप देख ही सकते हैं ये जो प्रोसेस है कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है खाने में। जितना ज़्यादा ये देखने में टेस्टी है ना, उतना ही ज़्यादा खाने में भी टेस्टी है। ऊपर से डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, और एक बॉयल आने देंगे। आप देख ही सकते हैं हमारा जो दाल है पूरी तरीके से गाढ़ा हो चुका है। और ऊपर से हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। यहाँ पे भी आपकी दाल बन के तैयार हो चुकी है पूरी तरीके से। आप चाहे तो यहाँ पे स्टेप पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने स्पेशल लगाया है तड़का। तड़के के लिए सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पे 2 चम्मच घी। घी जैसे ही हमारा गर्म हो जाए, डाल लेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। जीरे को पहले हम चटक जाने देंगे, और डाल देंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच हींग। हींग को भी पहले अच्छे से फ्राई कर लेने देंगे, और डाल देंगे यहाँ पे 3 से 4 लहसुन को बिल्कुल छोटे छोटे चॉप करके। चॉप कर लेने से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। ऊपर से डाल देंगे हम यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तड़का बना लेने के बाद डाल देंगे ऊपर से दाल के ऊपर, और हमारा बनके तैयार हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मसालेदार मूंग दाल। आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।